सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों को ध्यान देने योग्य यह आदेश है। सभी शिक्षक हो जाएं अलर्ट, प्रसिद्ध विद्यालयों के निरीक्षण एवं इन 5 बिंदुओं पर मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इन 5 बिंदुओं पर हमें ध्यान रखने की अति आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन पर एक नज़र जरूर डालें। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत पर लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर करिएगा। देखते हैं साथियों महानिदेशक महोदय का आदेश। मित्रों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ है जो लेटेस्ट आदेश है। यह 18 जुलाई 2022 का आदेश है। सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश विद्यालयों में नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक कार्य। महोदय महोदया, शासन द्वारा समस्त विद्यालयों के नियमित निरीक्षण व्यवस्थाओं का अनुश्रवण, मध्याह्न भोजन का संचालन, साफ सफाई, पठन पाठन तथा छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स में सुधार हेतु समय समय पर निर्देश दिए निर्गत किए गए हैं। विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। अतः शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं विद्यालय में साफ सफाई आदि के संबंध में यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अच्छे शिक्षकों को प्रेरित किया जाए, और प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले शिक्षकों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि इस सप्ताह आप निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। पहला बिंदु, प्रतिदिन सुबह 6 बजे समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों और जनपद समन्वयकों को अपने कार्यालय में बुलाकर प्रेरणा निरीक्षण ऐप के माध्यम से अधिक स्कूलों का निरीक्षण कराया जाए। यह निरीक्षण दूरस्थ ब्लॉक तथा दूरस्थ विद्यालयों को सभी अधिकारियों में आवंटन करवाए। एक एक अधिकारी को 2-2 स्कूल आवंटन करें एवं सभी को एक ही ब्लॉक में भेजें तथा उस ब्लॉक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। अधिकारियों को स्कूलों का नाम तथा यूडैश कोड आवंटित करें और समय से स्कूल खुल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच की जाए। जो शिक्षक उपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें। विभाग के टॉल फ्री नंबर 1800 1800 666 का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें ताकि विद्यालय से संबंधित सभी समस्याएँ राज्य स्तर पर तक पहुँच कर पाएँ एवं समस्याएं रिकॉर्ड की जा सकें। प्रत्येक स्कूल पर टॉल फ्री नंबर 1800 1800 666 चस्पा भी किया जाए ताकि यथा आवश्यकता अनुसार यदि कोई अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो शिकायतें प्राप्त की जा सकें। यह नंबर प्राप्त सुबह प्रातः 6:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित रहता है। SRG AARP डाइट मेंटर्स की बैठक आयोजित की जाए और उनके माध्यम से ऐसे अध्यापकों के नाम ज्ञात किए जाएं जो निरंतर 3 दिन अथवा अधिक दिनों से विद्यालय में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निरीक्षणों में इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना है कि क्या शिक्षकों द्वारा गत वर्ष 2021-22 में DBT के माध्यम से प्राप्त धनराशि अभिभावकों को प्रेरित कर स्कूल यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग तथा स्वेटर का क्रय कराया गया है अथवा नहीं। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आते हैं अथवा नहीं। मार्च जुलाई 2022 के अंत तक DBT की धनराशि अभिभावक के खाते में प्रेषित किया जाना निर्धारित है। इस संबंध में स्कूल यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग तथा स्वेटर का 100% क्रय करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर निरंतर अनुश्रवण किया जाए। उक्त संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से भी मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करते हुए
उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और सप्ताह के अंत तक प्रगति रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय के ईमेल आईडी upefaspo@gmail.com पर प्रेषित करें। बहुत ही श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 जुलाई 2022 से लगातार एक सप्ताह तक विद्यालयों का निरीक्षण समस्त BEO PSA DC को प्रातः 7:30 से 1:30 बजे के मध्य करने का आदेश महानिदेशक का आया है। इन्हें प्रातः 6 बजे ब्लॉक व स्कूल की सूची दी जाएगी। अनुपस्थित की दशा में बिना किसी नोटिस के पोर्टल पर तत्काल भेजने का आदेश है। निरीक्षण के समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना। सभी अध्यापक ध्यानपूर्वक इस आदेश का अवलोकन एक बार पुनः कर लें। यदि स्पष्ट नहीं हुआ है तो पुनः इस पर अध्यापक उपस्थिति, साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, MDM मेनू के अनुसार पठन पाठन आदि सभी लोग समय से उपस्थित होने का कष्ट करें। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।